उत्तराखंड में क्वारंटीन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सरकार ने अब 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन किया क्वारंटीन का टाइम। 75 चिन्हित शहरों से आने वालों पर लागू होगा नियम। 7 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा तो वहीं घर में भी रहना होगा 14 दिन तक। तो आपको बताएं, सरकार ने जो है अब क्वारंटीन की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है। अब 21 दिन का क्वारंटीन होगा, 7 दिन का सरकारी क्वारंटीन तो वहीं 14 दिन का होम क्वारंटीन। अब जो भी लोग जो चिन्हित 75 जिले हैं वहां से आएंगे उनको 21 दिनों का ये क्वारंटीन करना होगा। सरकार ने अब 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन का जो क्वारंटीन टाइम है उसको कर दिया है। तो 75 चिन्हित शहरों से आने वाले पर ये नियम जो है वो लागू किया गया है। 7 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा, इसके साथ ही 14 दिन का होम क्वारंटीन किया गया है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस प्रकार से सरकार का ये नया फैसला सामने आया है कि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा, जिसमें 14 दिन होम क्वारंटीन होगा, 7 दिन सरकारी क्वारंटीन होगा, सरकार ने फैसला किस बात को देखते हुए लिया है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए जो ये 15 दिनों में आंकड़ा 100 से बढ़ के 1000 को पार कर चुका है, इसमें मुख्यतः वो लोग शामिल हैं जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो जो रजिस्ट्रेशन है प्रवासी उत्तराखंडियों का वो 2,65,000 से काफी ऊपर पहुंच चुका है। तो साफ है कि जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं वो अन्य जनपदों अन्य राज्यों से आ रहे हैं और उन्हीं में ज्यादा कोरोना संक्रमित होने के लक्षण भी निकलकर सामने आ रहे हैं। राज्य के भीतर की अगर बात की जाए तो भीतर से अभी तक ऐसा कोई पीड़ित निकलकर नहीं सामने आया है। जो भी लोग हैं प्रवासी और उनको साफ तौर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था यहां पर की गई है। लेकिन अब सरकार ने अपना नियमावली में संशोधन किया है। खुद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है कि सरकार ने क्या संशोधन किया है क्वारंटाइन की व्यवस्था में। अब कोई भी प्रवासी अगर उत्तराखंड का रुख करेगा तो बॉर्डर पर ही उसका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और साफ तौर पर 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी उसको किया जाएगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है, कोई भी उत्तराखंड अगर आता है तो उसको 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसके बाद अगर उन पे सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल में अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो फिर उनको 14 दिन अनिवार्य तौर पर होम क्वारंटाइन होना ही होगा। और अगर होम क्वारंटाइन में वो नियमों की अवहेलना करते हैं तो कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी मुख्य सचिव की तरफ से जारी कर दिए गए हैं तमाम जिलाधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को। तो साफ है कि सरकार ने जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसमें इजाफा किया है। 14 दिन से अब क्वारंटाइन 21 दिन का कर दिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में 7 दिनों का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा और 14 दिन का फिर होम क्वारंटाइन होगा। और साफ है कि सरकार की मंशा यही है कि जो लोग प्रवासी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं वो यहां पर आए, खुद भी स्वस्थ रहें, प्रदेश को भी स्वस्थ रखें। तो ऐसे में क्वारंटाइन में इजाफा करना जरूरी हो गया है। जी जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर बनने के लिए।